हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखने के लिए इंस्पायर करेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है जॉन नाम के एक आदमी की। जॉन जो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो पेड़ों की कटाई का कॉन्ट्रैक्ट लेती है और फिर पेड़ों की लकड़ी को आगे फर्नीचर बनाने वाली कंपनी को बेच देती थी। जॉन इस कंपनी में पेड़ काटने का काम करता है। जॉन पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उसे ना तो कभी कोई प्रमोशन मिला और ना ही उसकी सैलरी में कोई खास बढ़ोतरी हुई थी। एक दिन उसी कंपनी में पीटर नाम के एक आदमी को नौकरी पर रखा जाता है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और 1 साल के अंदर ही पीटर की सैलरी बढ़ा दी गई और उसका प्रमोशन भी कर दिया गया। जॉन को जब इस बात का पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया और वो सीधा अपने बॉस के पास गया, लेकिन बॉस ने जवाब दिया, जॉन तुम आज भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजों को देखा जाता है। अगर तुम भी ज्यादा पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारी सैलरी बढ़ाने में बहुत ही खुशी होगी। ये सुनकर जॉन वहां से वापस लौट गया। इस घटना के बाद जॉन ने पहले से भी ज्यादा पेड़ काटने का डिसीजन लिया। वो सुबह चढ़ते सूरज के साथ ही काम पर लग जाता था और देर शाम तक सूरज ढलने तक वहां पर काम करता रहता था। इसके बावजूद भी वो ज्यादा पेड़ नहीं काट पा रहा था। जॉन फिर से एक बार अपने बॉस के पास गया और उसने बॉस को अपनी परेशानी बताई। बॉस ने जॉन को सुझाव दिया कि अगर तुम पीटर से जाकर मिलो तो शायद वो तुम्हें कुछ ऐसा बता सकता है जो तुमको नहीं मालूम है। ये सुनकर जॉन सीधा पीटर से मिलने पहुंच जाता है। पीटर से मिलते ही जॉन ने पूछा, पीटर तुम ज्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो जबकि मैं तुमसे ज्यादा देर तक काम करता हूं फिर भी कम ही पेड़ काट पाता हूं। ये सुनकर पीटर थोड़ा मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरे दोस्त जॉन, मैं हर एक पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए अपना काम रोक देता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं। तुम बताओ, तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? ये सुनकर जॉन सोच में पड़ गया क्योंकि शायद पिछले कई सालों से उसने अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाई थी। दोस्तों, इंसान का दिमाग भी ठीक इसी तरह से काम करता है। हमने आज से पहले जितनी ही भी शिक्षा हासिल की हो लेकिन उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। हमें लगातार अपने दिमाग की कुल्हाड़ी की धार लगानी पड़ती है। हम जिस भी फील्ड से जुड़े हों हमें लगातार अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। तो इसी तरह की नॉलेजबल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।